कांग्रेस पार्टी ने सियासी फायदों के लिए इस क्षेत्र को अपने में पंजे में फंसा कर रखा था। कांग्रेस के पंजे ने पूर्वोत्तर को इसलिए जकड़ रखा था ताकि उनके लिए भ्रष्टाचार और लूट के दरवाजे खुले रहे। मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम किया। आज किसान दुखी है, तमाम जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली। आज दोनों पार्टियां आईसीयू में पड़ी हुई हैं और जनता इनको ऑक्सीजन देने को तैयार है, इसलिए इनके दावे या इनके द्वारा दिए गए बयान का भी इस लोकसभा चुनाव में कोई महत्व नहीं है। जन जन ने ठाना है तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इनकी स्कीम असफल रही है, इसीलिए ये अपनी स्कीमों की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते, इसीलिए आज यही बातें चल रही है। कंगना रनावत ने ये कहा, मोदी जी कह रहे इंदिरा जी रुद्राक्ष पहनती थी, ये सब फिजूल की बातें हैं। ये चुनाव जनता के मुद्दों पे होना चाहिए। एक कह रहा है 400 पार, दूसरा कह रहा है 150। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं सीटों की भविष्यवाणी नहीं करता, मगर 15-20 दिन पहले मैं सोच रहा था कि बीजेपी लगभग 180 सीटें जीतेगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्हें 150 यानी 150 सीटें मिलेंगी। यानी मोदी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, राहुल कह रहे हैं 150 की पार नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें हर राज्य से रिपोर्ट मिल रही है कि हम सुधार कर रहे हैं, हमारे पास बहुत कुछ है। यानी 400 पार का नारा और राहुल कह रहे हैं 150 पार बीजेपी। तो 400 पार के नारे में दम है या 150 पर बेदम है बीजेपी? कुछ यूं समझिए कि पहली वोटिंग से पहले वार और पलटवार। एक सियासी घटना और घटी, वो ये कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों एक साथ एक मंच पर एक बार फिर से दिखाई दिए। 7 साल बाद एक बार फिर से एक साथ एक मंच पर ये चेहरे दिखाई दिए। अब 400 पार का नारा मोदी दे रहे हैं, पीएम मोदी, राहुल 150 कह रहे हैं, मगर जो सूबे उत्तर प्रदेश के बिना दिल्ली का सिंहासन कोई जीत नहीं सकता, और उसी उत्तर प्रदेश के भीतर अखिलेश और राहुल मिलकर दावा कर रहे हैं 150 सीट का, तो यहां आंकड़े समझना जरूरी हो जाता है। समाजवादी पार्टी को 2009 में 23 सीटें मिली थी और 2019 में इसी समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिलती हैं, वो भी तब जब बीएसपी और सपा साथ। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, कांग्रेस को 2009 में 21 सीटें मिली थी, याद होगा आपको, 2009 में उत्तर प्रदेश में, और 2019 में महज 1 सीट रायबरेली, अमेठी भी राहुल गांधी हार गए। बीजेपी को 2009 में 10 सीटें मिली थी, 2009 में तब 10 सीटें मिली थी, और 2019 में बीजेपी का आंकड़ा पहुंच गया 62। तो इन दावों में कितना दम है? क्या वाकई 7 साल बाद
राहुल अखिलेश साथ आकर मोदी को मात दे पाएंगे? भ्रष्टाचार को भी सियासी हथियार बनाने की कोशिश हो रही है दोनों तरफ से। मोदी कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, यह मोदी की गारंटी है, और राहुल कह रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, यह भ्रष्टाचारी है। तो किसका होगा बेड़ा पार? क्या वाकई में होगा 400 पार? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, बड़ी दिलचस्प चर्चा है। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। कांग्रेस पार्टी ने सियासी फायदों के लिए इस क्षेत्र को अपने में पंजे में फंसा कर रखा था। कांग्रेस के पंजे ने पूर्वोत्तर को इसलिए जकड़ रखा था ताकि उनके लिए भ्रष्टाचार और लूट के दरवाजे खुले रहें। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज किसान दुखी है, तमाम जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली। आज दोनों पार्टियां आईसीयू में पड़ी हुई हैं और जनता इनको ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं है, इसलिए इनके दावे या इनके द्वारा दिए गए बयान का अब इस लोकसभा चुनाव में कोई महत्व नहीं है। जन जन ने ठाना है तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इनकी स्कीम असफल रही है, इसीलिए ये अपनी स्कीमों की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते, इसीलिए आज यही बातें चल रही हैं। कंगना रनावत ने ये कहा, मोदी जी कह रहे हैं इंदिरा जी रुद्राक्ष पहनती थी, ये सब फिजूल की बातें हैं। ये चुनाव जनता के मुद्दों पे होना चाहिए। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम का हिस्सा जो बन रहे हैं प्रदीप बैस साहब हैं, बीजेपी के युवा चेहरे हैं। हमारे साथ वरुण मिश्रा जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। हमारे साथ पूजा मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी का चेहरा है, और साथ ही AK मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक पंडित। आज लग रहा है कि सारे पंडित ही जुड़ गए। पूजा मिश्रा जी, वरुण मिश्रा जी, AK मिश्रा जी, आज लग रहा है कि हमारे सहयोगी नितिन ने ऐसा पैनल तैयार किया कि सारे मिश्रा एक साथ आ गए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पहले एक पंडित जी से, मिश्रा जी आप ही से शुरुआत करता हूं, ये राजनीतिक पंडित मिश्रा जी उनके पास जाऊंगा। जरा आपके, क्योंकि भविष्यवाणियां जो होती हैं, हमारा तजुर्बा तो है कि निशाना बिल्कुल सटीक बैठता है। बेसब आ रहा हूं, प्रदीप जी आ रहा हूं आपके पास, जरा मैं नहीं, सारे मिश्रा जी को नतमस्तक होकर प्रणाम करने के साथ मैं बताना चाहूंगा कि मैं मिश्रा नहीं हूं, मैं सूर्यवंशी छत्री हूं, और सारे मिश्रा जी पंडित जी लोगों को सादर प्रणाम करता हूं। आपने इतनी महिमा बता दी है तो मेरा भी प्रणाम। नहीं ठीक, हमारा भी प्रणाम, सबको प्रणाम। वैसे ही रामनवमी याद। एक बात मिश्रा जी, AK मिश्रा जी, ये राहुल गांधी कह रहे हैं 150, मोदी कह रहे हैं 400 पार, और चुनाव नैरेटिव और परसेप्शन पे लड़ा जाता है जितना मैं समझता हूं, इसके इस बयान के मायने क्या हैं? चावला जी, ये बयान के बड़े स्ट्रेटजिक मायने हैं। मैं तो देखिए सबसे पहले ये बोलूंगा कि ये चुनाव एक बहुत गोल्डन मौका है पक्ष और विपक्ष के लिए, कौन किस तरीके से प्रयोग करता है। अब देखिए 400 पार बीजेपी हो या ना हो, इस पे विपक्ष को चर्चा करने की क्या जरूरत। विपक्ष अगर चाह लेगी तो 400 नहीं 500 भी पार करा देगी, जो इनकी रणनीतियां हैं। अब मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। नहीं, ये 150 वाला बताइए। नहीं नहीं, मैं 150 की ही बात कर रहा हूं। विपक्ष में किसी भी नेता ने, सपा कांग्रेस, ये अपनी सीट नहीं बता रहे हैं जनता को। राहुल गांधी ने एक बार भी नहीं बोला कि हम 250 पार कर रहे हैं, 300 पार कर रहे हैं, 200 कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं। आज रामनवमी है, वाल्मीकि के सामने यही दिक्कत थी, उनको राम राम कहना नहीं आता था, तो भारद्वाज ऋषि ने बोला तुम मरा मरा बोलो, वो मरा मरा बोलते हुए उनका कल्याण हो गया। ऐसे ही ये लोग विपक्ष को गाली देते देते, भाई आप गाली दो या प्रशंसा करो, नाम तो बीजेपी का ले रहे हो, जनता के सामने बार बार बीजेपी का नाम आ रहा है, तो जनता जिताए या ना जिताए विपक्ष वाले जरूर जिता देंगे बीजेपी को 400 पार,
ये इनकी एक बड़ी रणनीतिक भूल है, हर चीज में बीजेपी ने ये किया। नहीं, ये सीटों का गणित पे आओ मिश्रा जी, सीटों के गणित पे आओ। ये 150 वाला जो मसला है और ये 400 वाला मसला है। नहीं, 150 वाले 400 कहां से आएंगे? देखिए 150 सीटें बढ़ेंगी कहां से? 150 जो अगर ये बोल रहे हैं ना बीजेपी का, राहुल गांधी और उनके अलायंस का एक भी नेता इस चीज पे कन्विंस नहीं होगा। उसके पीछे कारण है, बीजेपी ने पिछले 10 सालों में अपने आप को जो रणनीतिक मजबूती दी है, बात पक्ष विपक्ष की नहीं है। और पास्ट का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, लगभग अच्छे खासे संख्या में इनकी परफॉर्मेंस जो इन्होंने बोली है रही है, इक्का दुक्का जगहों को छोड़ करके। अब सवाल ये है 150 पार ये बात, खुद राहुल गांधी इतना डिमोरलाइज होके बोल रहे थे जैसे वो खुद ही कन्विंस नहीं हो। और मैं तो बोलता हूँ भाई 150 बीजेपी 150 लाए 50 लाए, आप अपनी बात करो, अपनी योजनाओं की बात करो, आप अपने कार्यकर्ताओं में जनता में अपने पार्टी के लिए विश्वास दिलाइए। नहीं, इस कुछ फिगर में कुछ दम है 150 वाले? नहीं, 150 नहीं, कहीं से कोई दम नहीं, कोई दम नहीं। ठीक है, ओके, एक मिनट, वरुण मिश्रा जी आप दूसरे मिश्रा जी के पास हैं। वरुण मिश्रा जी, एके मिश्रा जी कह रहे हैं कोई दम नहीं है, ये मसला 150 वाला जो है आप कितने लाओगे? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है जो बात उन्होंने कही। 303 अभी है आपके पास, अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, ठीक 150 पर समेटने की बात कर रहे हैं आप, तो ये 153 सीटों का जो गैप है ये कहां से घटने वाली है? आपका गणित क्या कहता है, ये घटेंगी कहां से? नहीं, घटेंगी कहां से? नहीं, ये दो तीन बातों पर मिश्रा जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। वरुण जी, आदरणीय मिश्रा जी का, इन्होंने कहा सबसे पहले कि 400 के पार बात कर लेते हैं, जो एक नारा आजकल प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं कि अबकी बार 400 पार। तो आप अगर निगाह डालेंगे पूरा उत्तर भारत और मध्य भारत पर, गुजरात की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, राजस्थान की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, बिहार की लगभग सारी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 60 से ज्यादा सीटें हैं। अब क्या ये सीटें बांग्लादेश चले जाएंगे? अब यहाँ जहाँ इनका हाईएस्ट है वहां से तो कम होना है ना। नहीं तो आप कहाँ से लेकर आ रहे हैं, से तो सीटें घट कहाँ रही है? आपको क्या लग रहा है कहाँ घट रही है बीजेपी, किस राज्य में? देश में बीजेपी घट रही है। बीजेपी का बहुत जबरदस्त आक्रोश है लोगों में, हम लोगों के बीच में रहते हैं, जान रहे हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी की आकंठ महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर बात ना करके रुद्राक्ष और शिवजी और भगवान राम पर चर्चा करना चाहते हैं। इसका मतलब इन्होंने, आप जिन राज्यों में क्लीन स्वीप हुए, मैं हिंदी पट्टी राज्यों को देखूं, हिमाचल क्लीन स्वीप हुए, उत्तराखंड क्लीन स्वीप हुए, दिल्ली क्लीन स्वीप हुए, हरियाणा क्लीन स्वीप हुए, आप कहां पे बढ़ रहे हैं ये पूछ रहा हूं मैं आपसे साहब। आप जिन जिन स्टेटों का आपने नाम लिया है, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के सिनेरियो अलग अलग होते हैं। और तो सर 211 सीट, अगर मैं गलत हूंगा तो करेक्ट करिएगा, 211 सीटों पर डायरेक्ट फाइट है आपकी और बीजेपी की जी, माना जाता है। आप यूपी में अखिलेश के सहारे हैं, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के सहारे हैं, झारखंड में आप हेमंत सोरेन के सहारे हैं, है कि नहीं? देखिए इसीलिए एक ऐसा, महाराष्ट्र में आप जो है शरद पवार के सहारे हैं, मेरी बात सुनिए, इसीलिए एक ऐसे पूरे भारत में एक ऐसा बृहद गठबंधन बनाया गया इंडिया का, हमें एन केन प्रकार भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। और ये जो चार वरुण जी बचा कहां इंडिया गठबंधन, नीतीश कुमार चले गए, जयंत चौधरी चले गए, ओपी राजभर पहले ही जा चुके थे, अब आप समझिए बचा कहां, कौन बचा? पार्टी को अपने नारे पर इतना ही भरोसा होता तो वो एक सीट दो सीट वाले जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, नीतीश कुमार सर, उनका तो पौने दो फीसदी वालों के साथ भी कमिटमेंट है। इसका मतलब इनका नेतृत्व, आप कहां है उत्तर प्रदेश में, वही पूछ रहा हूं सर, आप कहां है उत्तर प्रदेश में? इनका नेतृत्व हड़बड़ाया हुआ है, उनको पता है, वही तो पूछ रहे हैं कि मिश्रा आपसे हो ही नहीं रहा। और आज राहुल जी ने तो आप कहां खड़े हो ये बताओ, ये बताइए आप कहां खड़े हैं? 150 सीट पार नहीं हो रही भारतीय जनता पार्टी सर, वो पूछ रहे हैं आप कितने पार हो रहे हो, यही कह रहे हो ना मिश्रा जी, एक ही मिश्रा जी, हम सरकार बनाएंगे इस बार। नहीं, सरकार बनाओगे कितने पार, अब की बार कितने पार? 211 सीट पर जहां हमारी बीजेपी के साथ डायरेक्ट फाइट है, तो 211 कम से कम 180 सीट कांग्रेस जीतेगी, आप इसको लिख लीजिए मेरा ऑन रिकॉर्ड में। एक के मिश्रा जी, वरुण मिश्रा जी जो बात कह रहे हैं, फिर आ रहा हूं प्रदीप जी और पूजा जी आपके पास। देखिए वरुण मिश्रा जी को पहली बात तो मेरी तरफ से बधाई भाई, आप बहुत लंबी सीटें जीते, बहुत ज्यादा जीते, मेरा कोई पर्सनल द्वेष नहीं है। वरुण मिश्रा ने अपनी ओपनिंग कमेंट ये किया हमें बीजेपी को रोकना है, मैं यही तो बोल रहा हूँ सर, नरेशन बनाने की जब बात आती है, नरेटिव की बात आती है, अरे आप ये बोलिए कि हमें बीजेपी को हराना है,
दूसरी गलती आप लोगों की क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफाई आप कर ही नहीं पाए हो कि जी हम पूरा गठबंधन मिलके 250 सीट लाएंगे या 300 सीट लाएंगे। आप केवल ये बोल रहे हैं कि जी बीजेपी 400 पे नहीं जाएगी। पब्लिक को मैसेज आप नहीं, मैं पूछ रहा हूं वरुण जी से कि भाई 153 कहां से घटेगी वो तो बता दो। क्वांटिफाई कर ही नहीं पा रहे हैं ये। चलिए इन्होंने मैंने आपको बहुत सीधी सी एक बात बताई थी कि भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में मैंने गिना है वहां पीक पर है, अपने चरम पर है, और जब कोई चीज चरम पर होती है। आप उल्टा बोल रहे हैं, आप ये बोलिए कि हम उन राज्यों में चरम पे हैं। अब की बार हम लीड कर रहे हैं, क्यों भाजपा को जिता रहे हैं उसका नाम लेकर के। जिस तरह 400 पार का नारा दिया जा रहा है, क्या सीटें बांग्लादेश से आएंगी? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, इंडिया में क्या 400 सीटों की कमी है? 543 सीट तो है ना इंडिया में, निश्चित रूप इंडिया में 543 सीट है, तो बांग्लादेश क्यों जाना सर? आप तो राजनीति बांग्लादेश और पाकिस्तान तो आप लोग जाते हैं, इतना तो पता ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कहाँ हैं और कहाँ नहीं है। भाई 400 सीटें पहले भी ला चुकी है कांग्रेस, ला चुकी है, तो 400 सीट लाने के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं जाना पड़ेगा। आप लोगों को 100 सीट लाने के लिए मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान चले जाते हैं। बिल्कुल खोखला, 100 सीट लाने के लिए मिश्रा जी मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान चले जाते हैं और वहां से जाके बोलते हैं कि हमें जिताओ। भारतीय जनता पार्टी पूरे परिदृश्य से गायब रहेगी। आप लिख लीजिए मोदी जी के झूठे वादों सर, वो एक के मिश्रा जी कह रहे कहां बढ़ रहे हो ये तो बताओ, बढ़ कहां रहे हो ये बताओ। वो पूछ रहे कौन सा ऐसा राज्य, राज्य तो बता दो। आ रहा हूं प्रदीप जी, सुनिए, गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट है। अच्छा, यूपी में एक सीट से कितनी सीट बढ़ रही है आप? रुकिए ना, सुनिए ना मिश्रा जी, में एक सीट से कितनी सीट आप बढ़ रहे हैं कांग्रेस? मैंने आपको सुना, आप मुझे सुनिए ना, सुन तो लीजिए, सुनिए मुझे। यूपी जो हार्टलैंड है, जहां से रास्ता खुलता है उसके बारे में बात नहीं करता भाई। सुनिए ना आप, सुन तो सकते हैं, सुन लीजिए। डायरेक्ट फाइट की अभी तक आप बात कर रहे थे, जब मैं डायरेक्ट फाइट की बात करने लगा तो आप यूपी लड़ रहे हैं। तो सुनिए हम कहां डायरेक्ट लड़ रहे हैं। हम गुजरात में डायरेक्ट लड़ रहे हैं, 28 सीटें हैं, 28 सीटों में से 26 सीटें अगर कांग्रेस नहीं जीतेगी तो आप बताइएगा। छत्तीसगढ़ में हम डायरेक्ट लड़ाई में, अगर वहां नहीं जीते तो बताइएगा। राजस्थान की 25 में से 25 सीटें नहीं जीतेंगे तो बताइएगा। जहां जहां डायरेक्ट फाइट है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, वहां कांग्रेस एक बड़ी लीड लेने जा रही है। और हमने कहा कि इंडिया गठबंधन बना ही सिर्फ इसलिए है कि हमको देश को भारतीय जनता पार्टी से बचाना है, अडानी और अंबानी के हाथों में गिरवी होने जाने से। वही वही नारे लगा रहे हैं दोबारा से, जल्दी से एक अमिशा जल्दी से। और हम बस यही कह रहे हैं, हमारा सिर्फ कहना सारे गढ़ का नाम लिया, उन सारे राज्यों का नाम लिया जहां इंडिया गठबंधन, बीजेपी का हार्टलैंड है, गढ़ है, किला है, जहाँ पे दरवाजा तोड़ना तो दूर, आप खटखटा नहीं पाएंगे। समझ में क्यों नहीं आता मुझे? और जहाँ आप जीत सकते हैं वहाँ आपका फोकस ही नहीं है। ये रणनीतिक गलतियां हैं सर, मुझे अफसोस इसी चीज का होता है। आप अफसोस न करें हमारी गलतियों पर, आप सिर्फ हमारे प्रयास को देखें। हमारा प्रयास क्या है? गलतियों पर अफसोस करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं। सराहना करता हूँ, आदमी को प्रयास करना चाहिए, लेकिन मैं भी तो चाहता हूँ ना कि विपक्ष मजबूत हो। और विपक्ष बोल रही है कि जी आप हमें बताओ नहीं। नहीं, विपक्ष मजबूत तब होगा जब आप उसकी आवाज को बुलंद होने देंगे, उसको बोलने तो देंगे, उसको सुनेंगे। हम तो 20 मिनट से आप ही की आवाज बुलंद कर रहे हैं वरुण जी, ये कौन सा गेम है? ना 20 मिनट से तो आप कंटिन्यू बात रख रहे हो। हमने 1 मिनट, आप प्रदीप जी, ना प्रदीप जी आएंगे, आप प्रदीप जी और पूजा जी रहेंगे। आप ओके अब पूरा वक्त दिया मैंने वरुण जी आपको, 1 मिनट अब प्रदीप जी और पूजा जी रहेंगे। प्रदीप जी, आप नारा लगा रहे हो 400 पार, ये कह रहे 150 पर समेट देंगे, 150 पर। मैं उसी नारे के आधार पर आपसे एक सवाल का जवाब चाहता हूं। 303 अभी है, ठीक सर, आप कह रहे हो 400 पार, आप बढ़ कहां रहे हो, किस राज्य में बढ़ रहे हो? तिलक जी देखिए, अभी उसके पहले जो आपने पूछा था कि जिस व्यक्ति ने ये बात कही है, उस व्यक्ति की हवा हवाई बातों के इतिहास को भी एक बार देखा जाना चाहिए। आपका बड़ा ही कठोर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बड़ा टू द पॉइंट वाला सवाल है कि आप बढ़ कहाँ रहे। देखिए, अभी किसी वक्ता ने बोला कि 400 सीटें तो एक बार कांग्रेस की भी आई थी, तो मुझे याद है वो 84 के बाद आई थी, सहानुभूति की लहर में आई थी 400 सीटें। तो अगर किसी भी कारण से 400 सीटें आ सकती हैं पूर्व में, हमारे इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिस्थितियां भले ही 30 साल पहले की रही हों, लेकिन अगर वो आ सकती है तो अभी भी आ सकती है। और अगर वो किस भी प्रकार चाहिए हो, मान के चलिए कि वो लहर वैसी नहीं थी, 400 सीटें आई,
तो वो 400 सीटें आई, उसके बाद क्या हुआ देश का, जनता ने वो देख रखा है। उसके बाद 91 से लेकर 96 तक क्या हुआ ये भी देख रखा है। 91 से लेकर के 98 तक आ रहा हूँ तिलक जी, सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ किस राज्य में आप बढ़ रहे हैं जहाँ आप 400 पार के नारे का दम भर रहे हैं, किस स्टेट में आप बढ़ रहे हैं, मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ। 100 सीटें वो कौन सी है, कहाँ से लेकर आ रहे हो वो तो बताओ। संपूर्ण भारतवर्ष में 543 से ज्यादा सीटें, 543 सीटें अगर कहें तो 400 सीटें हैं, और जहां पे विधानसभा के चुनाव में हमको अच्छी बढ़त नहीं मिली थी वहां पे हमें अच्छी बढ़त मिलेगी। हमारा दक्षिण में कर्नाटक राज्य में सबसे पहले कमल खिला था, अब की बात तमिल, केरला और आंध्र प्रदेश में भी हमारा परफॉर्मेंस बढ़ने वाला है। आप ये कह रहे हो कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वहां जो है दक्षिण के गढ़ है जहां पर सबसे मुश्किल डगर है आपकी, वहां आप 132 सीटों पर कमल खिला रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? जी निश्चित तौर पे, पक्का निश्चित तौर पे। सर नाराज तो नहीं होंगे आप, एक सवाल पूछ लूं? सर आपसे मेरा साहस कहां है तिलक जी कि आपसे कोई नाराज हो सके? नहीं नहीं प्रदीप जी, क्योंकि आप कह रहे हो कि अब की बार 400 पार, आप एक केसरगंज में तो प्रत्याशी फाइनल नहीं कर पा रहे हो, आप उनसे कह रहे हो कि अमेठी और रायबरेली बता दो, समय आने दीजिए। नहीं नहीं समय तो वही तो कह रहा हूँ सर, कौन रोक रहा है आपको केसरगंज में? फिर आप कह रहे हो 400 पार, केसरगंज में आपकी सांसें अटक जाती है, क्यों? मैं उत्तर दूं चावला जी, आप नाराज ना होइएगा। अगर कोई राजनीतिक दल विपक्षियों को संतुष्ट करने के लिए अपनी रणनीति जगजाहिर करने लगे तब तो हो चुकी राजनीति। राजनीति का अर्थ ही है जो नीति जो छुपी हुई, यानी आपकी रणनीति का हिस्सा है कि पहले चरण का चुनाव खत्म होगा तब आप प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेंगे, राइट? इसमें बुराई कौन सी है, कौन सा संवैधानिक नियम हम तो ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि आपको पहले फेस की वोटिंग का इंतजार करना पड़ रहा है? ब्रिजभूषण से डर लगता है क्या? सर आपका कोई प्रोग्राम हिट जा रहा है तो आप उन कारकों को तो जरूर देखेंगे ना किस कारण से वो हिट जा रहा है, फिर वैसे ही दूसरे प्रोग्रामों पे भी वही रूल एप्लीकेबल करेंगे कि भाई कहीं टीआरपी नहीं आ रही हो आप उसी रूल पे चलते रहे। तो क्या राजनीतिक दल स्वतंत्र नहीं है अपनी रणनीतियों को अपडेट करने के लिए या अप टू कोई बात नहीं, आप पूछिए उनसे अमेठी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन आप मुझे नहीं बता रही है 100 सीटें आएंगी कहां से। निश्चित तौर पे आएंगी चावला जी, मैं जो है बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक दल है, उनकी रणनीति होती है, उनके थिंक टैंक होते हैं, कुछ बातें जगजाहिर की जाती है, कुछ बातें केवल कार्यकर्ताओं में रखी जाती है, कुछ बूथ लेवल तक पहुंचाई जाती है। अच्छा, राजनीतिक दल जिस तरह से तो आप छिपा के रख रहे हैं, ठीक है मैं आऊंगा आपके पास, आंकड़ों के साथ ही आऊंगा। एक मिनट पूजा मिश्रा जी को चर्चा में, पूजा जी हम अगर जनता के हित के लिए कुछ अपनी रणनीति बना करके उसको जो है संभाल के रख करके अप्लाई कर रहे हैं अगर, और चुनाव जीत करके रास्ते ठीक है प्रदीप जी, ठीक है सितारे जो है बुलंद है, इसमें कोई दो राय नहीं। इंदिरा गांधी का भी दौर था, है ना, दौर तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। खैर पूजा जी, 7 साल बाद एक साथ है, 7 साल बाद अखिलेश जी और राहुल जी एक साथ, नहीं ये कौन सा चमत्कार होने वाला है? कह रहे हैं अखिलेश यादव गाजीपुर से गाजियाबाद तक चमत्कारी चमत्कार होने वाला है, जरा चमत्कार बताएंगे जी। तिलक जी आपको नमस्ते और साथ ही प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। तो चमत्कार ऐसे होने वाला है कि जो 10 साल जो भाजपा की सरकार रही उन्होंने सिर्फ दो ही कार्य किए हैं, 370 और राम मंदिर। और जो आज राम नवमी है तो मैं सुंदर कहूंगी कि जी मैं आपको, आप सुन लीजिए तिलक जी, आप सुन लीजिए पहले, मैं बिल्कुल आराम से और लॉजिकल बात करूंगी जी। तो एक जो है चौपाई कहूंगी पहले कि निर्मल मन यन सो मोहि भाव, मोह यन छल छिद्र कपट न भाव। ये जो है राम जी कहते हैं कि भाई उनको पसंद नहीं है जो लोग छल करते हैं, तो भाजपा तो छल करती आई, भाजपा को कभी ईश्वर भी पसंद नहीं करने वाले। ये जो है रोजगार दिन में फेल रहे, आपको भी पता है कि सीएसडीएस का जो है रिपोर्ट बताता है कि 27% वोटर्स जो भी चाहते हैं वो वोट करने जा रहे हैं रोजगार के मुद्दे पे, और ये रोजगार के मुद्दे पे इस कदर फेल हुए हैं कि अपने मैनिफेस्टो में रोजगार का संख्या ही नहीं लिखा, क्योंकि ये पहले फेल हो चुके हैं, महंगाई में फेल हो चुके हुए हैं। और राम मंदिर बना हुआ है इसको हम लोग स्वागत करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं ना खाली पेट ना होए भजन महापाला,
तो कार्य तो करने पड़ेंगे। पूजा जी, बार बार चल रही थी कि जो है कैसे। पूजा जी, ईद गई, इफ्तारी हुई ना जी? हुई ना जी। अखिलेश जी भी गए इफ्तार पे जी। तो राम मंदिर भी हुआ थे? राम मंदिर भी जाएंगे। कब जाओगे? जब जब ईश्वर की जो है बुलावा आएगा बिल्कुल जाएंगे। बुलावा नहीं आ रहा ना? राम जी में आस्था है, राम जी की जाएंगे। नहीं, मैं तो पूछ रहा था, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि मुख्तार के यहाँ जा सकते हो लेकिन राम मंदिर नहीं जाओगे। लेकिन फिर कह रहे हो कि नहीं, ये राम मंदिर के नाम पर सियासत करे, खैर कोई बात नहीं, वो आपका विवेक, ठीक है। आप कह रहे हो कि बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हो रही है, जा रहे हो मुख्तार जी के यहाँ शोक अदा करने, ठीक। और राम मंदिर आप कह रहे हो कि नहीं, हम बताएंगे नहीं कब जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आप ही की बात, आप ही की बात। तिलक जी, आप भी बार बार छोटे छोटे कहाँ से आ रही है। हाँ, तो ये भाजपा से मेरा सवाल होगा कि मणिपुर में आप एक सीट नहीं जीत रहे हो, आप बताइएगा कौन सा सीट जीत रहे हैं। मैं यूपी पर ही आ रहा हूं। असम में जो है, अब यूपी में अभी मैं प्रयागराज से जो है लोकसभा में प्रयागराज आप हार रहे हो, फूलपुर आप हार रहे हो, भदोही आप हार रहे हो, जौनपुर आप हार रहे हो, आप लिख के ले लीजिए। मुस्कुरा क्यों नहीं मिश्रा, ये आप हार रहे हो। नहीं, और नहीं। अगर आप कहीं चाहिए तो सर्वे करा लीजिए, आप बिल्कुल हार रहे हैं। एक बात, आजमगढ़ और रामपुर तो जीत आपके गढ़ था, आजमगढ़ और रामपुर तो आप चुनाव हार गए। नहीं पूजा जी, जी आप बार बार प्रत्याशी बदल रहे हो एक सीट पर। दी? सिटिंग सांसद को आजम खान साहब के कहने पर जो है उनको कहा कि नहीं, वो मामला गड़बड़ाया हुआ है, साहब का आदेश आया जेल से कि नहीं आपको चुनाव नहीं लड़ना, आप कह रहे हो कि उनको हरा देंगे हम। देखिए तिलक जी, कि ये शेष राजनीतिक का डिसीजन रहा हुआ है कि हर एक राजनीतिक पार्टी का रणनीति होता है प्रत्याशी बदलना। आप जानते हैं कि हर चीज बिल्कुल हर आधे घंटे में पड़ेगी तो प्रत्याशी बदली जाएगी। नहीं पूजा मैडम, ये बड़ा पूजा मिश्रा जी को टिकट मिला, ठीक, इन्होंने लड्डू का ऑर्डर दिया है कि मिश्रा जी सुनो, इन्होंने कहा कि भैया जल्दी से 30 किलो लड्डू पूरे के पूरे क्षेत्र में बंटवाओ। लड्डू का ऑर्डर गया, लड्डू बन रहे थे, पता चला कि टिकट कट गया, अभी डिलीवरी नहीं हुई घर पर लड्डुओं की, लेकिन टिकट कट गया। कह रहे रणनीति का हिस्सा बताइए, ये रणनीति का हिस्सा आपका बिल्कुल। अगर शेष नेतृत्व को लग रहा है कि जो है यहां से हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे जरूरी है हम सीटें निकाले। मैडम आपके लिए की बात कर रहा हूं, पूजा मैडम सुनिए ना, एक मिनट रुकिए ना। समाजवादी पार्टी को 2009 में 23 सीटें मिली थी, ठीक। 2019 में आप इस हिंदुस्तान का, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा गठबंधन था जब मायावती और अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पर आए थे, मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद था, उसके बावजूद आप चुनाव कितनी सीटों पर जीते? पांच। एक मिनट, कांग्रेस 2009 में, 2009 के आंकड़े की बात करो, उसी की बदौलत उन्होंने कहा कि नहीं हमारी सीट पर दावेदारी है। चुनाव उस वक्त 2009 में 21 सीटों पर जीती थी वरुण मिश्रा जी, गलत तो नहीं हूं। आप 2019 में आ गए महज एक सीट पर, रायबरेली पर, ठीक है। आज स्थिति यह है कि बीजेपी जहां 2009 में 10 सीटों पर खड़ी थी, आज बीजेपी के पास 63 सीटें हैं। तिलक जी एक बात पे और गौर करने की बात होगी कि 2014 का जो चुनाव था वो ऐसा चुनाव था कि जनता चाह रही थी कि बदलाव है, और 2024 का जो चुनाव है ये भी जनता वर्सेस भारतीय जनता है, और इंडिया गठबंधन जो है जनता के साथ में है। और अगर आप आंकड़े उठाएंगे तो आप देखेंगे कि जो है बीजेपी धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है, दो नहीं कर रही है, मैं 400 की बात नहीं करूंगी, मैं 250 की बात नहीं करूंगी, मुझे पता है जमीन पे क्या चल रहा है, जमीन पे जो है बीजेपी हार रही है, क्योंकि अब मुद्दों की बात चल रही है। आपने किसानों को नाराज किया, आपने नौजवानों को नाराज किया, आपने महिलाओं को नाराज कौन किया। कौन सी सीट जीत रहे हैं आप बताइए, आप बताइए ना कौन सी सीट जीत रहे हैं आप, कौन सी सीट जीत। मैं आपको बता, मैं आपको बता ही रही हूँ, मैं जो है इलाहाबाद जिले में बैठी हूँ, मैं बिल्कुल, हम जो है कौशाम्बी जीत रहे हैं, प्रयागराज जीत रहे हैं, भदोही जीत रहे हैं, जौनपुर जीत रहे हैं, फूलपुर जीत रहे हैं, हम बिल्कुल जीत रहे हैं, आप मैनपुरी जीत रहे हैं, हम मैक्सिमम सीटें जो उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं। ये पता है कौन से वाले जीत रहे हैं, एके मिश्रा जी, ये पता है कैसे वाली भविष्यवाणी हो गई जब ये चुनाव लड़ रहे थे मायावती जी, बीएसपी और सपा साथ में आई, बीएसपी और सपा साथ में आई, इन लोगों ने तैयार किया पूरा फॉर्मूला, बोले कि बोले ये तो भाई 80 में से 75 तो आ ही गई,
इस गणित के हिसाब से 80 में से 75 बताइए, इतना जबरदस्त फॉर्मूला है, ये तो हम जीत ही गए। लेकिन वहां पर जो उंगलियों पर गिली सीटें, नतीजा आया कुछ और आप मुस्कुरा क्यों रहे थे कि मिश्रा जी जल्दी से, फिर प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि इतनी डिबेट मैंने 5000 से ज्यादा की, समाजवादी पार्टी की पहली कोई प्रवक्ता वो भी महिला मिली है जो एटलीस्ट क्वांटिफाई कर रही है और प्रिसाइज है, कम से कम इन्होंने नाम तो गिनाए कि यहाँ से हार या जीत सीटों के, अदरवाइज सारे लोग हवा हवाई की बातें करते हैं, एकदम ब्रॉड लेवल में बात कर देंगे कि जी हम ही जीत रहे हैं। तो ये पूजा मिश्रा, मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी को ऐसे ही प्रवक्ता नियुक्त करना चाहिए जो प्रिसाइज और क्वांटिफाई करके चीजों को बात करे, तभी जा करके वो। मैं मुस्कुरा इसलिए भी रहा था, देखिए अखिलेश यादव जी ने बोला कि गाजीपुर से, गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक, मुझे ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक इनके जितने प्रत्याशी हैं वो गाजी ना बन जाए अब की बार। क्यों? गाजी वो बनते हैं जो युद्ध में शहीद हो जाते हैं। अच्छा, विपक्ष के जितने प्रत्याशी हैं उसमें से ज्यादातर कहीं गाजी ना बन जाए और केवल वजीर वजीर बच जाए, जैसे युद्ध में होता है, चेस में होता है। हाँ। कि फौज खेत हो गई, सारी फौज गाजी बन गई। हाँ। और उसके बाद राजा जो बचे थे वो घोड़े पे बैठ करके अपना किसी तरीके से जान बचाया। उसके पीछे दो कारण है। देखिए, बात हम नरेशन की कर रहे थे, भारत एक भावना प्रधान देश है, भाषा से बड़ा समृद्ध है। एक छोटा सा सलाह मैं दूंगा, मैं खुद बड़ा छोटा आदमी हूं इन पार्टियों के कंपैरिजन में, लड़के वाले इमेज से, अरे हाई स्कूल इंटर के लड़के हो क्या, दो लड़के, इतना छिछले स्तर का ये लोग अपनी पोजिशनिंग और इमेज बिल्डिंग करते हैं। दो लड़के की जगह अगर ये दो लड़ाके करके बोलते तो कुछ जोश भी आता जनता में कि हाँ संघर्ष करने वाले नेता। अच्छा, दोनों नेता 50-50 साल के और लड़के, हाई स्कूल इंटर का चुनाव अरे यूनिवर्सिटी लेवल पे छात्र संघ का चुनाव लड़ने वाले भी अपने आप को लड़के नहीं मानते हैं। पूजा जी जल्दी से, फिर मैं प्रदीप जी और अरुण जी आपके पास। जी जी, ये आप गलत कह रहे हैं, आप बीजेपी का नैरेटिव आगे बढ़ा रहे हैं, ये बीजेपी का नैरेटिव है दो लड़के, हमारे लिए तो दो नेतृत्वकर्ता है जो लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज के लिए भी ये है। सारे टीवी चैनल पे तो दो लड़के चल रहे हैं मैम, राहुल गांधी और अखिलेश जी की फोटो दिखा के, यूपी के दो लड़के, पिछली बार भी चला था यूपी के दो लड़के, कैंपेन आपने चला दिया। अरे लड़कों की इमेज से बाहर निकलिए, गंभीर इमेज बनाइए, जैसे मुलायम सिंह, मुलायम सिंह के बारे में क्या इमेज बनी थी, कितनी गंभीर बात करेंगे क्या, गंभीर इमेज नहीं है, मन से मुलायम लेकिन इरादे खड़ा, थोड़ा जोश भरने वाली बातें करिए ना। अलग अलग स्टेट में सरकारें हैं, आप ऐसे बात करिए ना। मैं वोटर होने के कारण मैं तो सलाह दे रहा हूँ, वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं बीजेपी जीते आप जीते, शुभकामनाएं आपके लिए भी है। विपक्ष के नैरेटिव को मुलायम सिंह यादव के टाइम पे जो नैरेटिव होता था जोश वाला, मन से मुलायम लेकिन इरादे खड़ा, आदमी जोश से भर जाता था कार्यकर्ता। अब दो लड़के हाई स्कूल इंटर के लड़के, तो लड़के क्या कर लेंगे, दो लड़ाके रखिए, आपको रखना चाहिए दो लड़ाके। आप जो है बिल्कुल पैरेलल लेके चलिए चीजों को, आप पे ज्यादा भार है। चलिए ठीक है, पार्टी आपकी है, जो आप बुलाना चाहें उसमें हम क्या करें। आप नैरेटिव को आगे बढ़ाइए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, हम किसी की नैरेटिव को आगे नहीं बढ़ा रहे मैडम, मैं केवल राष्ट्र के नैरेटिव को आगे बढ़ाता हूँ। मैं तो बोलता हूँ जो भी पार्टी जीते राष्ट्र का कल्याण करे, बिना किसी भेदभाव के, कोई भी जीते, हमें उसमें भारतीयों को, भारतीयों को कोई गुरेज नहीं है, कोई बात नहीं, नाराज मत होइए, बस इतना बता दीजिए अब की बार आपके कितने पार, जितने में सरकार बन जाएगी, जितने में सरकार बन जाएगी, 80 में भी नहीं बनती मैडम, 80 जीत लोगे, मोर देन 50% मैडम, कितने पार, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, इंडिया अलायंस की यूपी में 50 सीटें आ जाएंगी आपकी, 40 बिल्कुल बिल्कुल अबव जाएंगी, 50 में हम अभी जीत रहे हैं,
अभी जीत रहा है, इसके ऊपर जाएगी इससे नीचे नहीं जाएगी। जयंत चौधरी छोड़ के चले गए आपको, परिणाम आएगा। जयंत चौधरी छोड़ के चले गए, चौधरी चले गए, उन्होंने ओपी राजभर आपको छोड़ के चले गए। ओपी राजभर की बात, मायावती जी जो बल्लेबाजी कर रही है आपको समझ में नहीं आएगा, 360 डिग्री में शॉर्ट्स घूम रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे बात करें, मैनपुरी फंस चुका है, तो अगर जेल आपकी सबसे सेफ सीट मैनपुरी फंस चुकी है, मैनपुरी तिलक जी मैं यहीं पे आऊंगी, आप भी यहीं पे रहेंगे, बधाई फंस चुका है मामला, इतनी बड़ी जो है जीतोगे, बधाई भी नहीं फंसी हुई है, सब ये जीतेंगे हम। अच्छा, जीत रहे हैं बिल्कुल। आप मुरादाबाद जा रहे हैं प्रचार करने एस टी हसन साहब? बिल्कुल जाएंगे, जाएंगे, ओके, आराम से भेजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वरुण मिश्रा जी और प्रदीप जी, आप कह रहे हो, मैं आप लोगों के दावे के मुताबिक मैं मान जाता हूं कि भैया 150, लेकिन आप कहां कहां सीटें लेकर आ रहे हैं उसका आप आंकड़ा नहीं बता रहे। आप कह रहे हो जो हारेंगे वो तो हमारे नाम ही है, मसला यही है ना, लेकिन आप कहां जीत रहे हो ये नहीं बताओगे, बोले ये तो हार ही रहे। देखिए, मैंने कहा आपसे पहले ही कि गुजरात ने हमारी सीधी लड़ाई है, वहां कांग्रेस बुरी तरह हराएगी बीजेपी को, छत्तीसगढ़ में सीधी लड़ाई है, गुजरात बुरी तरह हराएंगे हम, पंजाब में बुरी तरह हराएंगे, राजस्थान में बुरी तरह हराएंगे। पंजाब, चलिए ठीक है, एक एक करके पंजाब पे आ जाता हूँ, कौन हराएगा, आप हराओगे या आम आदमी पार्टी? हम हराएंगे। आम आदमी पार्टी क्या करेगी? बिल्कुल साथ रहेगी हमारे, साथ नहीं है वो आपके? हाँ ठीक है, नहीं ठीक है नहीं, आप अलग लग रहे हैं, जहाँ उनके कैंडिडेट जीतने के काबिल है वो जीत रहे हैं, अच्छा जीतने के काबिल है, कुछ राज्यों में हमारे गठबंधन नहीं है, तो जहाँ नहीं है वहाँ नहीं है, जहाँ है नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ ना आपसे जी, पंजाब में आप कह रहे हो कि हम जीत रहे हैं? हाँ बिल्कुल, पंजाब में हम जीत रहे, आप देखिएगा पंजाब, गुजरात में क्या स्थिति है? गुजरात में भी हम सबसे बड़ी पार्टी रहेंगे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेगी कांग्रेस, आप देख लीजिएगा गुजरात, राजस्थान में भी हम सबसे बड़ी पार्टी रहेंगे, उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कितने पार करोगे? उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। नहीं नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, एक सीट है आपकी। देखिए, हमारे पास 17 सीटें हैं, 17 सीटें कांग्रेस को गठबंधन में मिली हुई है। हाँ। और मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। हाँ। अगर बनारस में मोदी जी भी चुनाव हार जाए तो कोई ताज्जुब मत रखिएगा, जो जनता में अंडर करंट है। बनारस में मुस्लिम प्रत्याशी आया जी? मुस्लिम प्रत्याशी जमानत दी जाएगी? हमारे कैंडिडेट हैं बनारस में, हैं अजय राय जी हमारे प्रदेश, नहीं नहीं, मुस्लिम प्रत्याशी बहन जी ने उतार दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी, मैं बता रहा हूँ ना क्या फर्क पड़ता है, आप ना ना, मैं बता रहा हूँ ना क्या फर्क पड़ता है सर। देखिए, ये जो गुड्डू जमाली मॉडल है ना, आप नहीं समझ पाएंगे, वो पूजा जी समझ जाएंगी। देखिए, ये गुड्डू जमाली मॉडल जो है, मेरी बात तो सुनिए, आप जिस मुस्लिम वोटों के आधार पर कह रहे थे कि भैया हम भी वहां, तो खेल ही हो जाता है ना साहब। देखिए, एक जमाना था जब गुड्डू जमाली जी ने आजमगढ़ में थोड़ी चोट पहुंचा दी थी, तब मायावती जी जनता के बीच में एक्सपोज नहीं थी। मैडम सब जानते हैं, मैडम जानती है, मैडम से पूछिए, पूजा मैडम से पूछिए, मैंने मॉडल का जिक्र किया, वो मॉडल क्या है? के सारे टिकट अमित शाह जी बांटते हैं, ये सब जानते, पूरा देश जानता है, एक्सपोज हो चुका है पूरे देश में। अच्छा, बीएसपी के मायावती जी भाजपा की बीटी में, ये पूरा देश जानता है। प्रदीप जी, इसलिए जो है मुझे इस पर कोई ताज्जुब नहीं था। इन्होंने दानिश अली के खिलाफ भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया, इन्होंने इमरान मसूद के खिलाफ भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया, सिर्फ कांग्रेस गठबंधन को कमजोर करने के लिए, जहां मुस्लिम प्रत्याशी है वहां वो रणनीति का हिस्सा है उनकी। आप ये कह रहे हो, ठीक है प्रदीप जी, जवाब दीजिए, फिर मेरा सवाल ले लीजिएगा जल्दी से। प्रदीप जी, जवाब दीजिए, पर उनकी बात रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इसलिए भारतीय जनता, आप कह रहे हो 400 पार, फिर भी छोटे छोटे दलों को एक साथ ले रहे हो प्रदीप जी। ओके ओके प्रदीप जी, फिर ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि जिनके पास कोई सांसद नहीं है उन पार्टियों को भी आप साथ ले रहे हो? सर क्या केवल अधिकार ये हिंदी गठबंधन को ही है कि वही जो है दलों को जोड़ सकते हैं? हमारा तो बहुत पहले अटल जी के समय 17 दलों का गठबंधन था और बड़ा सफल गठबंधन था, कभी अंतर की खींचतान बाहर नहीं आई। हाँ, अब कितने हैं भैया? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी प्रदीप जी, मैंने पूछा आप कितने हैं? अब सर निश्चित तौर पर 17 से ज्यादा है। नहीं नहीं, 40 के करीब पहुंच गया कि नहीं पहुंचा आंकड़ा? 43। अरे सर, या अभी इस नंबरों के आधार पर अगर जीत निश्चित की जाती तो शायद हिंदी गठबंधन तो काफी विधानसभा के चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, हमसे ज्यादा बड़ा गठबंधन था उनका। हाँ। लेकिन असल बात होती है कि कन्वीनर और नेतृत्व
टीम का कैप्टन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी दल के जीतने या किसी भी टीम के जीतने के लिए। आप बताइए कि हमारे विपक्ष में कितने अच्छे कैप्टन है, अगर कैप्टन है भी तो फ्रंट लाइन पे कौन आके खड़ा हो रहा है। जनता आप कैप्टन ने काम किया था ना, अपना पूरा पावर का फुल इस्तेमाल, और जो ईडी हो सीबीआई हो सबको सरकार ने जितना इस्तेमाल कर सकते हैं उतना पूरा किया कैप्टन। एक मिनट आप क्या चाह रहे हैं, अभी क्लियर करवा दूं आपके सामने, राहुल गांधी उनके नेता है, पूजा जी है कि नहीं राहुल गांधी आपके नेता? बिल्कुल है, बस सुन लिया आपने, चुनाव जीतेंगे तो वही प्रधानमंत्री बनेंगे, पूजा जी कह रही हैं। अरे वो कमलनाथ प्रधानमंत्री तो सीट पे तो डिसीजन होगा, नहीं नहीं नेता तो वही है ना, प्रधानमंत्री कौन होगा? आपके आपके चेहरे तो वही है ना, इंडिया गठबंधन के नेता सारे हैं। नहीं इंडिया नहीं, आप तो आपने कहा राहुल गांधी नेता, इंडिया गठबंधन के चेहरे राहुल गांधी ही है ना? हाँ सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े चेहरे वही है। ओके प्रदीप जी क्लियर हो गया, वो कह रहे सर माननीय नेता है। एक ममता जी भी बहुत महत्वपूर्ण घटक है इंडिया गठबंधन की, क्या ममता जी मान रही हैं? नहीं वो अलग हो गई हैं, कांग्रेसियों के साथ डिबेट में नहीं बैठ रही मैं। हमारा गठबंधन है ममता जी से, आप ये बता, ये जो 78 लोकसभा है समाजवादी पार्टी ने प्रदीप जी क्यों कमजोर नाम से बात कर किसी का? हाँ मुद्दे पे आओ ना। मैं शांति से सुन रहा था, आपने बड़े सारे सवाल किए, सीधा सीधा से सवाल पूछते हैं, वोटर होने के नाते पूछते हैं। हमारे गठबंधन, हमारी पार्टी के नेतृत्व हमारे सर्वोपरि मोदी जी हैं, जनता को यह बात क्लियरली पता है। यदि इंडी गठबंधन में कौन कहां से आप क्या होगा, प्रधानमंत्री बन जाते हैं जो होना नहीं है, बताइए भाई साहब बात क्या होगा, क्या आप अपने संविधान बदलेंगे? हाइपोथेटिकल कंडीशन ही मानते चल रहे हैं, ये वर्तमान में नहीं होने वाला है, ये हम हाइपोथेटिकल कंडीशन ही मानते, तब भी आप बताइए भाई साहब बात क्या होगा, हमारा शीर्ष नेतृत्व क्लियर कर लीजिए कि जब जो है मान लीजिए हाइपोथेटिकल कंडीशन में प्रधानमंत्री जी बन जाते हैं दूसरे तीसरी बार प्रधानमंत्री, तो 2.5 साल बाद आप क्या करेंगे, किसे बनाएंगे प्रधानमंत्री? रिटायरमेंट की एज होती है क्या राजनीति में? नहीं आप बताइए अरे आपका संविधान रहता है, अरे क्या कह रहे हैं आप, अपने पार्टी की पूरी क्वालिफिकेशन रखिए, 2.5 साल बाद क्या कदम बदलेंगे, हमारी पार्टी की कदम बदलेंगे, कंफर्म करिए ना, ये संविधान बदलेंगे पार्टी का, प्रधानमंत्री बदलेंगे की नेता बदलेंगे? देखिए प्रदीप जी पूजा जी की चिंता वाजिब है, उनको मालूम है कि उनके यहाँ तो परिवार का ही सदस्य बनेगा, उनको मालूम है कि उनके यहाँ परिवार का ही मामला सेट है, उनको मालूम है कि उनका नेता अगला पीढ़ी का कौन होने वाला है ना? आपके यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन वाला मामला हो जाता है कि कौन कहां पर मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन इनके यहाँ तो मामला फिट होता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, और कौन कौन सीटों पर कौन कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, है ना? तो वो बात उनकी थोड़ी बहुत वैलिड है। अब मुद्दे पर आइए ना सर, मुद्दे पर। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अभी आपने अभी ये सूत्रपात कर दिया, तो मैं बता देता हूँ कि राजस्थान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो पहली बार विधायक बने थे और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो जहाँ प्रतिभा का सम्मान है, जहाँ जहाँ मेरिट को दी जाती है, जहाँ पे टैलेंट को मेरिट दी जाती है, वहाँ पे जनता वोट करेगी, या परिवार बचाओ आंदोलन को जनता वोट करेगी, देश की जनता। चलिए मान लीजिए कि आप आपने जो है माननीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को जो है बेटी को क्यों दिया टिकट, ना देते टिकट कहीं समय में, आप उस परिवार वालों को पाए जा रहे हैं, बिजनेस में जो है अमित शाह के बेटे के 16,000 गुना इजाफा हुआ, मजाक है भाई, 10 साल में 16,000 गुना इजाफा, 1 गुना नहीं 2 गुना नहीं 3 गुना नहीं 5 गुना नहीं 16,000 गुना, ये परिवार याद नहीं है, अगर कर्टन के पीछे तेरे परिवार हो तो परिवार, आपका परिवार अलग हो गया, दूसरे का परिवार हो गया, सब जनता से चुन के जा रहे, जनता वोट देती तब जाके सदन में बैठते हैं, हमारा देश संविधान अधिकार देता है चुनाव लड़ने का, तब चुनाव लड़ते हैं,
जनता वोट देती है। अखिलेश यादव जी पूजा जी पूजा जी पूजा जी आपने आपने शायद एक मिनट प्रदीप जी रुक जाइए ना, एक मिनट वरुण जी और मिश्रा जी के पास जा रहा हूँ मैं। आप शायद सीट गिनवाते गिनवाते जौनपुर का जिक्र कर गई होंगी, लाइव में कमेंट आ गया, धनंजय सिंह जी की पत्नी जो है वो वहां से चुनाव लड़ रही हैं, बहन जी के आशीर्वाद से। हाँ, तो शायद आपने जौनपुर बोला होगा मैडम। बाबू कुशवाहा जीत रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, मैं तो आपको सिर्फ याद दिला रहा था, जौनपुर में वो किसी ने लाइव में कमेंट कर दिया कि कह रहे हैं पूजा जी को याद दिला दीजिए कि बहन जी के आशीर्वाद से धनंजय सिंह जी की पत्नी श्री कला चुनावी रण में है। नहीं, जब बाबू कुशवाहा जमीनी नेता है वो रहे बिल्कुल लड़ में। हाँ ठीक है, ठीक संविधान है। ओके ओके, ए के मिश्रा जी दावे, ये पूजा बहन जी के प्रश्न का उत्तर दे दूं मैं प्रदीप जी आ रहा हूँ आपके पास, पूरा वक्त एंड में आपको दूंगा मैं। ए के मिश्रा जी, यहाँ लड़ाई क्या हो रही है कि 150 पार 400 पार, या ये हो रहा है कि भैया हमें इनको 400 पार से पहले रोकना है और फिर कहेंगे देखिए कि हमने हरा दिया इनको, कुछ ऐसा परसेप्शन नेगेटिव वाला मामला है क्या? नहीं नहीं, देखिए एक स्ट्रेटजिक ब्लंडर या बीजेपी की स्ट्रेटजिक चाल क्या हो सकती है। हाँ। मैं बोलता हूँ चलिए 400 सीट नहीं आई, 395 में आ गई, तो क्या मोदी जी को या बीजेपी को किसी नेता को उनको जो है प्रधानमंत्री बनने से रोक लेंगे? 375 आ गई तो परिणाम तो फिर भी आना है। ये एक साइकोलॉजिकल स्क्वायर यार्ड है, स्क्वायर यार्ड का मतलब एक ऐसी मतलब रणनीति है। हाँ। जिसमें कि विपक्ष फंस के रह जाए। ये नारे में फंस गया क्या विपक्ष? अरे लग 400, अब ये लोग हमेशा 400 पार नहीं जाने देंगे, चलिए 400 पार नहीं जाएंगे, 395 में तो जा सकते हैं, 399 भी तो है कि 400 के नीचे आपने रोक दिया, तो आप खुश किसमें हैं? आप मुझे ये बताइए, विपक्ष से मैं पूछना चाहता हूं। हाँ। कि 400 के पार न जाए आप उसमें खुश हैं कि विपक्ष सरकार बनाने लायक पोजीशन में आए, उतनी सीटें जीते, उसमें खुश है विपक्ष का? मैंने यही बोला, विपक्ष का कोई नेता बोल ही नहीं रहा है कि हमारा अलायंस 250 जीतेगा, 350 जीतेगा या क्लियर कट बाउंड, सब यही बोल रहे हैं कि जी 400 पार। बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी के उसमें उलझे पड़े हैं जी, 400 पार के नहीं जाने देंगे, 400 पार नहीं होगा। वरुण जी बता दीजिए ना, आप कितने पार आ रहे हो, बात ही खत्म कर दो। वो मिश्रा जी जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि वरुण जी से इतना पूछो कि ये कितने पार आ रहे हैं। नहीं नहीं, वो अभी तक क्वांटिफाई किया ही नहीं है इन्होंने, हम जीतेंगे तुम हारोगे। देखिए माइक्रो लेवल पे अगर आपको पता ही नहीं है कि हम कितनी सीटों के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर आप नहीं बता पा रहे हैं कि हम कितनी सीटों पे हारेंगे जीतेंगे, हमारा लक्ष्य कितनी सीटें हैं आप नहीं बता पा रहे हैं। वरुण जी बता दो, वरुण जी बता दो, मतलब है कि आपने टारगेट रखा ही नहीं है। देखिए मिश्रा जी ने आज मुझे लगता है राहुल जी का पूरा स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नरेशन में फंसने की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही नरेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं सिर्फ इतना नहीं, एके मिश्रा को सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे हो, वो मुद्दे की बात तो पूछ रहे हैं, आप बताओ ना आप कितनी सीटें जीत रहे हो। वो ये कह रहे हैं ना कि हम विपक्ष के नारे में फंस जाते हैं, अब 400 पार नहीं जाने देंगे। हम कहाँ कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी 150 सीट नहीं पार करी, आप 400 की बात कहाँ कर रहे हैं साहब? वही तो पूछ रहे हैं मिश्रा जी। हमने आज एकदम क्लियर कर दिया, राहुल जी ने आज एकदम बहुत क्लियर बात कह दी है। सुनिए जल्दी से, मिश्रा जी फिर प्रदीप जी को। राहुल जी ने ये बोला, मैंने सुना था वो चंक, राहुल जी ने बोला कि दो दिन पहले मुझे लगता था कि 250 सीट ये पाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 पाएंगे। तीन दिन के बाद राहुल जी बोलेंगे 100 सीट पाएंगे, और 4 जून आते आते कहीं ऐसा ना हो कि राहुल जी बोल दे 400 पार। 4 जून आए, 5 जून आए, हमें आपके एजेंडे से मतलब नहीं, आपको कोई वेल फिक्स्ड जो है क्वांटिफिकेशन आप लोगों का है ही नहीं। आप बोलेंगे समय के हिसाब से, अगर आप बदलते रहेंगे आप मुद्दों पे टिकेंगे नहीं, कभी ये मुद्दा कभी, अरे एक मुद्दा एक कोई चीज पकड़ करके रखिए और उसको सफल बनाइए, जहाँ एक मुद्दे पे आप टिके रहेंगे आप सफल जाएंगे। मुद्दा इस समय बेरोजगारी है, मुद्दा महंगाई है, मुद्दा भ्रष्टाचार है, मुद्दा नौजवानों का रोजगार है, महिलाओं की सुरक्षा है, मणिपुर में क्या हुआ पूरे देश ने देखा है, आसाम की क्या स्थिति है पूरा देश देख रहा है, अरुणाचल में चीन घुस के बैठा है पूरा देश देख रहा है,
ये उन मुद्दों का चुनाव है, आप किस नैरेशन की बात कर रहे हैं? आप तो कभी सीटों की बात करते हैं, 400 नहीं जाने देंगे, 250 जाएंगे, 100 जाएंगे, 150 जाएंगे, ना आपके कहने से हम अपने नैरेशन को, अपने नैरेटिव को, अपने मुद्दे को उठाइए ना और प्रूफ करिए। एक मिनट तो आप 4-5 मुद्दे ला चुके हैं राफेल से लेके अब तक, कहां जीत रहे, और एक भी भ्रष्टाचार का मुद्दा आपका सफल नहीं हुआ, प्रूफ नहीं हुआ, सरकार हिली तक नहीं। एक मिनट कभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सरकारें गिर जाती थी, आप 5-5 बार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा पाए और सरकार हिली तक नहीं गिराने की बात छोड़ दीजिए। तो इतने कमजोर तरीके से आप भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे तो चुनाव कैसे, वो एप्पल वाला किस्सा ना हो जाए कि भेड़िया आया भेड़िया आया, भ्रष्टाचार हुआ भ्रष्टाचार हुआ। एप्पल वाले मुद्दे में भी यही की ई मेल आया है जी, कुछ नहीं हुआ। आप सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला देंगे तो आप लोग कर ही नहीं सकते। वरुण जी एक मिनट, एक मिनट, आप प्रदीप जी को वक्त मिलेगा पूरा, एक मिनट रुकिए प्रदीप जी, हम एक बार एक मिनट बेरोजगारी पर बात करेंगे, एक मिनट सर, एक मिनट, हम आपसे बात उम्मीद करेंगे। वरुण जी कृपया करके मेरी दरख्वास्त है, मेरे को ऑडियो नीचे करना पड़ेगा, फिर मत बोलेगा विपक्ष की आवाज दबा दी, आपको वक्त दे रहा हूं पूरा, एक मिनट। वो तो शुरू से ही दबाया जा रहा है, आप दबा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी बात हम कहेंगे। वरुण जी मेरे साथ विक्टिम कार्ड मत खेलिए सर, नहीं हम अपनी बात कह रहे हैं, आप रुकिए रुकिए एक मिनट, मेरे साथ विक्टिम कार्ड मत खेलिए, नहीं नहीं हम अपनी बात, मैं अभी 5 मिनट में निकाल दूंगा, मैंने आपको कितना वक्त दिया, दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चाहें तो मैं अभी 5 मिनट में निकलवा दूंगा आपको, पूरी डिबेट में कितना वक्त दिया, आप निकाल दीजिए मुझे कोई फर्क नहीं। इसलिए ये मत बोलिए कि आवाज दबा रहे हैं, एक मिनट प्रदीप जी, आप कह रहे हो 400 पार, ठीक, पिक्चर दूसरी और भी है, 2019 के चुनाव में बीजेपी को करीब 18 करोड़ वोट मिले, कांग्रेस को मिले 12 करोड़ से ज्यादा वोट, ये सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया, करीब आपको मिले 37% के आसपास वोट, 63% आपके खिलाफ गए, एक पिक्चर ये भी तो है प्रदीप जी, गलत बोल रहा हूं? नहीं, आप आंकड़ों पे एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो बूथों में चुनाव होते हैं, आखिर इतने सारे वोट मिले, इतने सारे पैमाने आए, वो माइक्रो लेवल पे क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाए ऐसे बूथों में जो कि जिता करके कैंडिडेट भेजे, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं, एक सच तो ये भी है सर, 63% आपके खिलाफ वोट पड़े थे, निश्चित तौर पे 63% हमारे खिलाफ पड़े थे, लेकिन वो कितनों तो आप जिस कांग्रेस को नजरअंदाज कर रहे हैं उस कांग्रेस को 12.5 करोड़ लोगों ने वोट किया, अरे सर 12.5 क्या, उससे सीधे बोल दीजिए 15 करोड़ से कम लोगों ने वोट किया, उसमें बुराई क्या है? नहीं तो आप सर मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये वाला फिगर बोलो 400 पार, और मैं कह रहा हूँ कि 12.5 करोड़ लोगों ने वोट किया, वो कौन थे फिर? देखिए अभी दूसरे जो अपने मिश्रा जी हैं, तीनों मिश्रा में जो विश्लेषक निष्पक्ष मिश्रा जी हैं, उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने बहुत सारी बहुत बातें बोली जो कि विपक्ष के बड़े काम की हैं। मैंने एक बात शुरू में बोली कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी राजनीतिक दल जब वो अपनी रणनीति बनाता है, चाहे वो कॉर्पोरेशन लेवल के, चाहे वो पार्षद, सर आप मेरे सवाल को गोल क्यों कर रहे हैं? मैंने आपसे पूछा किस राज्य में आप बढ़ रहे हैं, ये तो बता दीजिए। अरे मैंने तेलंगाना, मणिपुर में कितनी सीटें आ रही है आपको? मणिपुर में 2 सीटें और दोनों आ रही है। मणिपुर में कितनी सीटें आ रही है सर? मणिपुर में सारी सीटें आ रही है, सारी सीटें। आप जानते हैं मणिपुर में देश के प्रधानमंत्री प्रचार करने नहीं गए? सर देश के प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ प्रचार करेंगे, एक व्यक्ति है और 553 सीटें हैं। मणिपुर आप इस देश का राज्य नहीं है सर? मणिपुर के अगर अगर आप उस परिपेक्ष में बात कर रहे हैं तो मैं एक थोड़ी सी जानकारी चाहता हूँ कि दो घंटा सर देश के गृह मंत्री ठीक है, एक बात आपने कहा मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे, एक मिनट, एक आपने कहा मोदी जी की गारंटी, प्रदीप जी आपने कहा मोदी जी की गारंटी, आपके घोषणा पत्र में ना तो महंगाई का कोई जिक्र है, ना बेरोजगारी का कोई जिक्र है, ना ही रोजगार का कोई जिक्र है, अगर प्लीज आप एक्सप्लेन कर पाए, किसानों की MSP तक का कोई जिक्र नहीं है क्यों? निश्चित तौर पे उसके लिए विपक्षी पार्टियां कहां क्यों चुप बैठी हुई हैं, और जब ये सदन चलता है पिछले 10 वर्षों में, आप ये बताइए कि जब जब महंगाई की बात हम आप कर सकते हैं, हम आप कितनी बात चाहे दिन रात कर सकते हैं, सदन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जो है नहीं रहेगा, पूजा जी नहीं प्लीज, अगर आपको सवाल पसंद नहीं आया तो मैं सवाल बदल सकता हूँ, पूजा जी मेरे पास ये ऑप्शन भी है, रुक जाइए
प्रदीप जी, महंगाई का जिक्र क्यों नहीं है? जब 2014 में आपने कहा बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई का जिक्र क्यों नहीं आपके घोषणा पत्र में? ठीक है, हमने जो उचित समझा हमने अपने घोषणा पत्र में रखा और हम चुनाव। अच्छा, तो मतलब महंगाई जरूरी है ही नहीं आपके लिए अब? चलिए ठीक है, बेरोजगारी का जिक्र क्यों नहीं किया आपने? नहीं नहीं, उसकी चर्चा सदन में होगी ना, सदन में विपक्ष सदन में कितनी बार उस पर चर्चा। ठीक ठीक, 2014 से पहले सड़कों पर होती थी चर्चा। खैर, आप बता दीजिए सर, बेरोजगारी का जिक्र क्यों नहीं? सर तिलक जी क्या टीवी पे चर्चा करके अगर बेरोजगारी से सबको रोजगार मिलता रहता तो मैं जिंदगी भर 2400 घंटे आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सरकार सर दिक्कत तो यही है ना कि रोजगार पर चर्चा होती कहाँ है? सर दिक्कत तो यही है, बेरोजगारी पर चर्चा होती कहाँ है? प्रदीप आपके सवाल में विपक्षी दल किस लिए सदन में बैठे हैं? सर विपक्ष मतलब विपक्ष सवाल उठाएगा तभी बेरोजगारी मुद्दा है? नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ उसका ना। जब भी सरकार इस तरह की कोई महत्वपूर्ण बात लाती है तो विपक्ष अपने सिद्ध पे क्यों अड़ जाता है? आप पिछले 10 वर्षों का उठा के देख लीजिए, अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं तो वहाँ सदन पे कार्य मुद्दे वाली बात करिए ना प्रदीप जी, जो सवाल पूछ रहे हैं वो बताइए सीधे सीधे, क्यों नहीं किया या कहीं किया है तो बताइए। सर क्या मेरी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? मैं आप स्वतंत्र नहीं हूँ। आपके होगा ना, बता दीजिए कहाँ है? जैसे आपने बता दिया एकदम प्रिसाइज कि 400 सीट जीतेंगे, वैसे ही सवाल बता दीजिए जो एंकर पूछ रहे, एकदम प्रिसाइज आंसर बता दीजिए। कहाँ लिखा बता देंगे ना, हम ये चुनाव लड़ने निकले हैं, हम लोकतांत्रिक 4 दिन को बताएंगे। ठीक है सर, ठीक है, जस्टिफाई करने के लिए नहीं निकले। नहीं, जस्टिफाई करेंगे सर, आपको जनता को करना है सर, मैं तो सिर्फ सवाल पूछने वाला हूँ। मैं केवल देख रहा था कि प्रबुद्धता देख रहा था कि सवालों को हैंडल कैसे किया जाता है, मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है, जवाब इसका भी है, भाजपा के आप भाजपा के प्रवक्ता है, इसका भी जवाब मैं नेता हूं, लेकिन अब आप नहीं बोल पा रहे हैं तो हम क्या करें? नहीं सर, आपके कानों को जो सुंदर लगे मैं वो बोलूं। चावला जी के सवालों के चक्रव्यूह में फंस गए आप, 2 सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि जिस पार्टी का कोई सांसद नहीं है उसको भी आप जोड़ ले रहे हैं, और जो अभी सवाल पूछा कि महंगाई के मुद्दे कहाँ है आपकी आवाज नहीं है क्या? जो दल छोटे हैं क्या उनकी आवाज कोई नहीं है ये तो हरी कथा है, आप जोड़िए, इसमें दिक्कत नहीं है। 4 जून और 4 जून के बाद भी ये मामला जारी रहेगा ना? ठीक है, अब 400 पार या 150 वाली कहानी जो है, अब वरुण जी ये तो रिकॉर्ड में आ गई है, अब 4 जून को ये जो है यही टेप बजेगा, 4 जून तक और 4 जून के बाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी आपका भी, वरुण जी आपका भी, एके मिश्रा जी आपका भी, और प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आंकड़ों का खेल आप देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना जरूर है कि खेल अब दिलचस्प हो गया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।